जो द्रव्य हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हमारे आसपास की कौन कौन सी वस्तुएं हैं, जैसे मेज है, बेंच है, कुर्सी है, पंखा है, बैग है, पेन है, कॉपी है, किताब है आदि। कौन कौन सी विषय है आपके पास? बेंच है, कुर्सी है, मेज है, किताब है, पंखा है आदि। देखिए जैसे अगर हम बेंच की बात करें तो बेंच में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अगर द्रव्यमान होता है तो यह स्थानीय रहता है। ऐसे कुर्सी है, कुर्सी का अपना द्रव्यमान होता है और ये भी कुछ आइटम घटता है। ऐसे मेज है, किताब है, पंखा आदि है। यानी एक बात कन्फर्म हो गया कि इन सभी में क्या होता है? द्रव्यमान होता है, यानी मास होता है। और दूसरा क्या होता है? आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। आयतन यानी हम कह सकते हैं स्थान। यानी अब देखिए डिफरेंस हमारे यहां कन्फर्म हो गया। यानी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान या आकृति घेरता है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक, तो कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान या आयतन घेरता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। अब हम बात करते हैं पदार्थ। यानी एक बात तो कन्फर्म हो गया कि पदार्थ है, क्या मतलब हमारे आसपास के पदार्थ हैं। तो हमारे आसपास के पदार्थ यानी एक चक्र का डिफरेंस हमारा बन गया। बात करते हैं अब हमारे आसपास की वस्तुएं, वो ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तो ठोस की बात करते हैं, जैसे ये आपका डस्टर है, तो जो डस्टर क्या आपका ठोस पदार्थ है। तो जब डस्टर ठोस पदार्थ है, डस्टर क्या है? ठोस पदार्थ है, तो इसका क्या होता है? आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। बात करते हैं हम द्रव की। द्रव देखिए, इस गिलास में जल है, इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जैसे इस गिलास में पानी रखा हुआ है, जब इस गिलास में पानी रखा हुआ है तो इस गिलास का आकार फैला हुआ है या कवर किया हुआ। अगर इसी पानी को हम किसी दूसरे थाली में रख दें या प्लेट में रख दें या कटोरी में रख दें, लेकिन उसका आयतन तो समान रहेगा परंतु उसकी आकार समान नहीं रहेंगे। बात करते हैं गैस की। गैस में जैसे गैस क्या होता है? वो स्थान घेरता है। तो स्थान घेरता है तो कैसे स्थान घेरता है? बात करते हैं अगर हम इस गुब्बारे में हवा भरें, जैसे देखिए ठीक, अब हवा घेरता है तो देखिए मैंने इस गुब्बारे में जब मैंने फूंक मारी तो इसमें इस गुब्बारे में क्या हुआ? हवा घेर लिया। तब इससे एक बात कंफर्म हो गई कि हवा घेरता है। यानी दूसरे बात को हम कह सकते हैं कि चाहे वस्तु को हम देख पाए या ना देख पाए, लेकिन हाँ एक बात कंफर्म है कि कोई ना कोई वस्तु का द्रव्यमान होता है, भार होता है और वह स्थान घेरता है। जैसे बात करें मेज है, मेज 50 किलो हो सकता है, 25 किलो का हो सकता है, कुर्सी का 10 किलो होगा, डस्टर का 10-20 ग्राम होगा। इसी तरीके से हर किसी ना किसी वस्तु का आकार या भार अलग अलग होता है, वह किसी भी अवस्था में हो सकता है। दूसरी बात अगर हम करें और भी जैसे वैज्ञानिकों ने प्राचीन काल में वैज्ञानिकों ने पदार्थ को
पांच बराबर भागों में डिवाइड किया, कौन कौन? पहला जल, दूसरा वायु, तीसरा पृथ्वी, चौथा अग्नि और पांचवा आकाश। ये हम प्राचीन काल के वैज्ञानिकों ने पदार्थ को पांच भागों में डिवाइड किया, लेकिन और इस शोध में जब और भी शोध में तब वैज्ञानिकों ने आधुनिक काल के वैज्ञानिकों ने पदार्थ को केवल दो अवस्थाओं में माना। वो कौन कौन से पदार्थ की अवस्थाएं थी? आधुनिक युग के वैज्ञानिकों ने पदार्थ की जो अवस्थाएं बताई वो दो बताई, कौन कौन सी? भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर बात करते हैं। ये आधुनिक युग के वैज्ञानिकों ने दो पदार्थ को भाग किया, लेकिन दोनों को आते वैज्ञानिकों ने कुछ गुण भौतिक आधार पर किया और कुछ रासायनिक गुण किया, लेकिन प्राचीन काल में ही ये वैज्ञानिक आए महर्षि कर्णाद। महर्षि कर्णाद ने कहा कि कोई पदार्थ है उनके कण क्या होते हैं? बहुत सूक्ष्म होते हैं और छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें ये है क्या चाक, चाक है, देखिए चाक है, अगर हम चाक को और छोटा करें इसको और भी छोटा करें, इसको और छोटा करें और इससे छोटा करें, तब ये पाते हैं कि अब इससे छोटा हमारा करना संभव नहीं है। लेकिन देखिए हमारे उंगली में सफेद दिख रहा है, लेकिन हमारे आंखें जो उनके कण नहीं देख सकते हैं, ठीक, लेकिन हाँ इसको हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। तो महर्षि कर्णाद ने वही चीज कहा कि पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन आधुनिक के जो विज्ञान कहते हैं वो महर्षि कर्णाद के विश्लेषण पर सही ठहराया, और आपने देखा भी जैसे मैंने चाक को छोटा किया फिर और भी छोटा किया, फिर और छोटा किया, फिर हम उससे छोटा नहीं कर पाए, लेकिन हाँ हमारे मुड़ी पे सफेद लगा हुआ था, उसको हम केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देख सकते हैं। तो महर्षि कर्णाद द्वारा जो डिफिनेशन दी गई थी वो सही पाया गया आधुनिक युग में। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कौन सी पांच अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पांच अवस्थाएं होती है, कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और पांचवा है ठोस आइसिंग कंडेंसेट। लेकिन हम बात करते हैं केवल तीन पर। ठोस, ठोस किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसके आयतन और आकार निश्चित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे मेज है, कुर्सी है, लोहा है, ये सब क्या हमारे ठोस पदार्थ है। द्रव, वे पदार्थ जिनके आयतन तो निश्चित होते हैं परंतु आकार निश्चित नहीं होते हैं, जैसे तेल है, दूध है, पानी आदि। गैस, वे पदार्थ जिनके ना आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आदि गैसें हैं। बात करते हैं ठोस की, ठोस की अगर बात करते हैं उनके कण क्या होते हैं? बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं।
द्रव जिसे अगर हम गिलास पानी भर दें तो ये द्रव हो जाएगा। और तीसरा है गैस, अगर हम पानी को हीट करेंगे तो इसके भाप क्या होंगे, ऊपर निकलेंगे तो हो जाएगा हमारा गैस। पानी एक ऐसी अवस्था है जो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। अगर पानी को हम अगर फ्रीज कर दें यानी ठंडा कर दें, अत्यधिक ठंडा कर दें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या हो जाएगा, बर्फ की अवस्था बन जाएगा। अगर वही बर्फ जब गल जाएगा तो पानी का अवस्था बन जाएगा, और जब वो गलेगा तो उसको जब भाप निकलेंगे तो भाप निकलेगा वो कौन सी अवस्था होगी, गैस की अवस्था होगी। इसके साथ क्लास भाई बहनों ये टॉपिक अब आपका खत्म हुआ, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम आपको अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।